फिल्म गेम ऑफ अयोध्या है जो एफ कट से पास होके आई है और एफ कट ने ट्रिब्यूनल ने समझाया कि ये फिल्म जो है एज इट इज़ पास हो, उनका जो निर्णय है वो हम अपेक्षा कर रहे थे और यही हुआ और सेंसर बोर्ड ने जो इसको मूवी को रोका था वो एफ कट ने पूरी तरह से पास किया है और हमें उम्मीद है कि ये मूवी जो है एक अच्छा संदेश लेकर जनता के बीच में जाएगी। ये फिल्म से ज़्यादा एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, इसको आप कह सकते हैं कि ये डॉक्यू ड्रामा है। इसमें जो स्टॉक न्यूज स्टॉक जो अतीत के हैं वो सभी बड़े नेताओं के, उन सबको जैसे बिखरी हुई लड़ियों की एक माला बना करके प्रस्तुति की जाती है, उस तरह से बिखरी हुई टूटी हुई जो तमाम मंडल के बदले में कमंडल का प्रस्फुटन, धर्म को दबाने के लिए जातिवाद को बढ़ावा, ये सब एक कड़वी ऐतिहासिक घटनाक्रम है जिसको सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से एक पृष्ठभूमि में प्रेम कथा को निरूपित करके चित्रित करने का एक सराहनीय प्रयास है। बड़ी अच्छी अच्छी फिल्म बनाई है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और ये आज के समय के हिसाब से लोगों को पता लगना चाहिए किस विवाद क्यों है, किस लिए विवाद है, क्या है और कहाँ से, काफ़ी अच्छी सच की है। फिल्म बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया हुआ है फिल्म में और हिंदू मुस्लिम के का जो एक मतभेद भेदभाव था उसको दूर करने की पूरी कोशिश की गई है और सब्जेक्ट बहुत अच्छा है फिल्म का। मूवी मेड बाय मी इज ऑन एक्चुअल फैक्ट्स ट्रू इवेंट्स एंड व्हाट वी हैव प्लेस्ड एंड वी गॉट द एफकैट अप्रूवल बिकॉज ऑल दिस टॉक शॉट्स व्हाट वी हैव प्लेस्ड एवरीथिंग नथिंग फ्रॉम आवर एंड इट्स ऑल ट्रू फैक्ट्स व्हाट वी हैव प्लेस्ड एंड नॉलेजेबल फिल्म फॉर ऑल द यूथ एंड एवरीबॉडी मस्ट गो एंड सी दिस फिल्म। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।